लीजिए व्यूअर्स, हमारे मजे की जो है ये चिकन नूडल्स मंचूरियन रेडी हैं और खाने के लिए तैयार हैं सब लोग। तो इसको जल्दी से फटाफट इसको हम अब सर्व करते हैं अपनी फैमिली को। तो आप भी अपनी फैमिली के लिए ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल व्यूअर्स। ढेर सारी दुआएं आप सब लोगों के लिए। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ो अमान में रखे और ढेरों खुशियाँ दें, आमीन। और आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आज हम बनाते हैं बहुत ही मज़े की सिंपल और इजी डिफरेंट रेसिपी, और वो है हमारी चिकन नूडल्स मंचूरियन। उसके लिए हमने लिए हैं नूडल्स के दो पैक। चिकन हमने बॉईल किए और इसकी यखनी जो है हमने ये छान कर एक साइड पे लिए। और उसके लिए हमें चाहिए कुछ सब्जियाँ, उसमें बारीक कटा हुआ हरा प्याज चाहिए, शिमला मिर्च चाहिए और दूसरा सिंपल प्याज चाहिए। नूडल्स को हम निकाल रहे हैं और इसको हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। थोड़ी सी नूडल्स हम बचा लेंगे इसको जो है बाहर, इसको क्रम्स के तौर पे लगाने के लिए हम थोड़ा सा हम निकाल लेंगे, एक साइड पे रख लेंगे और बाकी जो है हम बॉईल कर लेंगे। नूडल्स को हम बॉईल होने के लिए रख रहे हैं। जब तक हमारे नूडल्स बॉईल होते हैं उतनी देर में हम अपनी वेजिटेबल्स जो हैं वो कट कर लेंगे। नूडल्स बॉईल हो रहे हैं, हम इतनी देर तक जो है वो अपने चिकन जो है जो बॉईल हुई हुई है उसको हम उसके पीसेस कर। चिकन बॉईल करके हमने रेशे रेशे कर लिए हैं और मज़ीद भी इसको करेंगे ज़रा। और अब हम चलते हैं, पास नूडल्स जो हैं वो हमारी बॉईल हो गई हैं, उसको अच्छी तरह बॉईल हो आ गए हैं, पक गई हैं और उनको हम थोड़ा सा ठंडे पानी से धो लेंगे ताकि उसमें जो है ना ज़्यादा चिपचिपाहट जो है उसमें ना फील हो। नूडल्स बॉईल हो गई हैं, अब ये हम डाल रहे हैं इसको बाउल में। अब हम डालेंगे इसमें ये प्याज चॉप हुआ हुआ, आपको जितना अच्छा लगता है प्याज आप उतना डालें। मेरे पास छोटा मीडियम साइज़ का प्याज था, मैंने वो डाला। अब इसमें मेरे पास स्पाइसेस हैं, 1 टीस्पून है सॉल्ट, 1 टीस्पून है ये रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून है चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून है ये ब्लैक पेपर। अब ये हम डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे चिकन। अब हम इसमें चिकन डाल दी है, अब हम इसमें थोड़ा सा ग्रीन अनियन डालेंगे और इसको अच्छी तरह मैश करेंगे। अगर आपको ज़्यादा चटपटा चाहिए तो आप इसमें जो है वो कनोर मैगी का जो मसाला पैक होता है आप वो भी डाल सकते हैं। चटपटा बनाने के लिए हम थोड़ा सा इसमें मसाला डालेंगे। चले इसको मैश करते हैं अच्छी तरह। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन को या गोश्त को आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चटपटा चाहिए तो हमने 2 मैगी नूडल बनाए थे तो उसका दूसरा मैंने अभी टेस्ट किया, हल्का सा फीका टेस्ट था। अगर चटपटा खाना है तो दूसरा पैक डालें, वरना तो एक ही जो है वो भी काफ़ी है।
अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए, अब हम इसकी बना रहे हैं बॉल्स। इंतहाई मज़े की और चटपटी करारी जो है ये रेसिपी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और थोड़ी सी चेंज स्टाइल भी है। अब कोटिंग के लिए ये हमने थोड़े से जो है ये नूडल्स रखे थे और थोड़े से हमने इसमें तिल मिक्स किए हैं, दोनों को हम मिक्स करेंगे, तिल को और नूडल्स को, और इसके ऊपर हम अपनी जो है ये चिकन और ये बॉल्स जो हैं नूडल्स बॉल्स जो हैं हम इसके ऊपर ये देखेंगे इस तरह करके एक साइड पर रखेंगे ताकि इसमें ज़रा क्रंची सा टेस्ट है तिल भी और ये भी। और अब हम इनको फ्राई कर लेंगे ऑयल में। आपके पास तिल है तो आप तिल लगा लें, तिल नहीं है तो आप स्किप कर लें, आप कुछ भी जो है ना इसको क्रंची बनाने के लिए आप लगा सकते हैं, क्रम्स भी लगा सकते हैं। थोड़े से ये चिपकेंगे तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, आराम से ध्यान से हल्के से पलट लें। ये ऑलमोस्ट कुक है तो बस हमने इसको जो है ना मीडियम हाई फ्लेम पे जल्दी जल्दी से इसको पकाना है और इनको जल्दी से निकाल लें। ये लें जी, ये हमारे चिकन नूडल मंचूरियन जो है ये कोफ्ता जो है ये रेडी हो गया। चलो देखें कितने मज़े के खूबसूरत और क्रिस्पी लग रहे हैं। अब हम इसी ऑयल में, हम ऑयल वेस्ट नहीं करेंगे, उसी ऑयल में हम डालेंगे लहसुन। तो चलें उसी पैन में जो है आप ये थोड़ा सा 1-2 लहसुन जो है ये बारीक चॉप हुआ फ्राई करते हैं। इसको ज़्यादा लाल नहीं करना हमें, हल्का सा कलर चेंज हो तो हम इसमें मोटे मोटे चॉप हुए प्याज डालेंगे और शिमला मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें देखें कि प्याज डाल रहे हैं, इनको फ्राई करेंगे, जब इनका कलर चेंज हो जाएगा और ये अलग अलग हो जाएंगे तब हम इनमें डालेंगे शिमला मिर्च को। मीडियम फ्लेम पे हम इसको करेंगे और ये सारी प्याजों की जो है ये लेयर्स जो हैं ये अलग अलग हो जाएंगे। अब हम देखेंगे, हमने 2-3 साबुत हरी मिर्च ली है, शिमला मिर्च भी जो है वो इसी क्यूब्स की फॉर्म में कटी हुई है वो डालेंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे सिरका और सोया सॉस। अब हम इसमें डालेंगे चिली सॉस 1 टेबलस्पून
सोया सॉस 1 to 2 टेबलस्पून, अब हम डालेंगे इसमें सिरका, ये भी 1 टेबलस्पून, अंदाजे से, अगर आपका अंदाजा सही है वरना तो आप स्पून की मदद से डालें। और अब हम इसमें डालेंगे केचप, केचप तकरीबन इसमें हम डालेंगे 3/4 कप। थोड़ी देर इसमें पकाएंगे, हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे, रेड चिली पाउडर है 1/2 टीस्पून, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालेंगे वो भी 1/2 टीस्पून के बराबर डालेंगे, क्योंकि केचप में भी थोड़ी सी जो है वो स्पाइसी होती है। 1/2 टीस्पून ये हमने डाला इसमें रेड चिली फ्लेक्स, और अब हम डालेंगे ब्लैक पेपर, ये भी 1/2 टीस्पून। और अब हमारे पास जिसको 1/2 टीस्पून तकरीबन ये नमक आप देख लें, जैसे आपका टेस्ट हो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसको मिक्स करें। और अब हमारे पास ये यखनी जो पड़ी हुई थी हमने निकाल के रखी थी उसके लिए बॉइल्ड चिकन के लिए, वो अब मैं इसमें डाल दूँ और इसको थोड़ी देर पकाना है। इसको बॉयल आ जाए तो हम ये जो हैं चिकन नूडल कोफ्ते जो हैं वो इसमें डालेंगे। हम इसमें अब हम 1 टीस्पून जो है थोड़ा सा कॉर्न फ्लोर जो है इसमें पानी में हल करके डालेंगे, ताकि ये थोड़ा सा जो है ना ठीक इसका जो है ये टेक्सचर हो। और अब हम इसमें डालते हैं अपने ये साथ मैंने इसके बनाए हैं चाइनीज राइस, और बेटा तो मेरा कह रहा था कि अम्मी इसी में थोड़ी सी चिकन भी आप वैरायटी कर लें, साथ थोड़े से चिकन भी आप डाल दें, लेकिन चिकन मैंने नहीं डाला, मैंने आज ये इसी की मैंने जो है नूडल मंचूरियन बनाई है। अब हम इसमें डालेंगे हरी प्याज और अब हम इसे करते हैं सर्व। ये लें चिकन नूडल मंचूरियन जो हैं ये हमारे रेडी हो गए। रहीम व्यूअर्स, ये देखें कितने मज़े की हमारी ये रेसिपी बनी है। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है, और चलते चलते मैं आपको ये कह दूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली फौरन जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और ये आ गए हमारे चाइनीज राइस, अब हम इसके साथ सर्व करते हैं मंचूरियन। लीजिए व्यूअर्स, हमारे मज़े की जो है ये चिकन नूडल्स मंचूरियन रेडी हैं और खाने के लिए तैयार हैं सब लोग, तो इसको जल्दी से फटाफट इसको हम अब सर्व करते हैं अपनी फैमिली को। तो आप भी अपनी फैमिली के लिए ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।